अस्सलाम वालेकुम, मैं अजीम अली। आज आपको मैं बताऊंगा कि मल्टीनेट के रिमोट के बारे में कि आपने टीवी के साथ रिमोट कैसे पेयर करना है और इसके ऊपर कौन सा बटन किस पर्पज़ के लिए दिया गया है और उसका यूजेज क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रेड हाइलाइटेड सोर्स का बटन है, ग्रीन हाइलाइटेड मेन्यू का बटन है, येलो हाइलाइटेड बैक का बटन है और ब्लू हाइलाइटेड ये गूगल असिस्टेंट का बटन है। और इसके अलावा रिमोट के ऊपर आपको बेनिफिट ये मिलता है, यहाँ पे यूट्यूब और नेटफ्लिक्स का बटन दिया गया है। इसमें आप यूट्यूब के बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपका डायरेक्ट यूट्यूब ओपन कर देगा और नेटफ्लिक्स का बटन अगर प्रेस करेंगे तो ये नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन को ऑन कर देगा। अब मैं आपको रिमोट पेयर करके बताऊँगा कि रिमोट कैसे पेयर करना है। उसके लिए आपने ये सेटिंग ऑप्शन में आना है। सेटिंग में आगे आपने रिमोट एक्सेसरी की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और बैक और माइनस वॉल्यूम के बटन को आपने लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ पे ऊपर टीवी का जो ब्लूटूथ नेम होगा वो शो हो जाएगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है तो ये रिमोट आपका पेयरिंग मोड पे चला जाएगा। ये हमारा रिमोट टीवी के साथ पेयर हो चुका हुआ है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको रिमोट को टीवी के सेंसर के सामने रखकर चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी इसको रखकर ऑपरेट कर सकते हैं, इसको 200 फीट दूर भी बैठकर रिमोट को ऑपरेट कर सकते हैं। और वॉइस कमांड के थ्रू आप अपने टीवी को कोई भी कमांड देकर आप अपनी एप्लीकेशन को प्ले कर सकते हैं। ये हमारा रिमोट टीवी के साथ पेयर हो चुका हुआ है। अब इसका बेनिफिट ये है कि मैं इसको कहीं भी रखकर ऑपरेट कर सकता हूँ, जैसा कि मैं रिमोट को अभी अपनी जेब में डाल रहा हूँ और इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। आप इसको कहीं भी रख के ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियो के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें ताकि उस फीचर के ऊपर वीडियो बनाकर मैं दोबारा हाजिर हो जाऊं। मेरे मल्टीनेट पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को क्लिक करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।